किसी भी कानून में जब एक दफ़ा निकाह हो जाए, बेशक हकूक ज़ौजियत औरत ने अदा किए हों या ना किए हों, वो निकाह को कोई भी कालेदम नहीं करवा सकता। यहाँ पे तो सिनेरियो डिफरेंट है, निकाह भी हुआ, दुआ ने हकूक ज़ौजियत भी 3 माह तक अदा किए, और अब उसका बाप जाके उसको कल सिविल कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दावा दायर कर रहा है कि जी ये निकाह को कालेदम किया जाए। उसके अगेंस्ट हमने रात को अनाउंस कर दिया जी हम इसको एक इस्लामी इशू बना रहे हैं। हम इसमें मेरी मुख्तलिफ़ जामियाज में बात हो गई है, बहुत जल्द आपको इसकी अपडेट्स मिलेंगी। हम फतवाज ले रहे हैं इसके ऊपर कि 15 से 16 साल, क्योंकि जो सेकंड मेडिकल बोर्ड है जिसके ऊपर इनका इनसार है उसके मुताबिक कह जाइए 15 से 16 साल। दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं है कि जो कहीं 15 से 16 साल की लड़की जो है वो माइनर है, उसका नाम ना लिया जाए या वो शादी नहीं कर सकती। ये बकवास है, ये जबरान नासर जो है इसके पीछे कादियानी लॉबी है। अच्छा जाफरी साहब, इकरारुल हसन साहब कहते हैं कि माइनर बच्ची है, उसको जो है वो फीड किया गया, इंजेक्ट किया गया, उसको जो है वो बहला फुसला कर सब काम करवाया गया। इकरारुल हसन ने जो 2 शादियाँ की हैं उसने बहला फुसला के की हैं दोनों से। ये कभी लड़कियां भी इस तरह से, आप यहाँ पे लड़कियां भी मौजूद हैं, देखिए 15-16 साल की लड़की या 16-17 साल की लड़की सेंसेबल है, और जो उसके घर का माहौल था मैं बड़ी दफ़ा बयान कर चुका हूँ, स्कूल वो नहीं जाती थी, एकेडमी वो नहीं जाती थी, फ्रेंड उसकी कोई नहीं थी, घर में कैद करके रखा हुआ था, डिफ़ॉल्टर फैमिली है, वो डबल शाह के वो कज़न है, कराची में 6 माह एक महल्ले में, 6 माह दूसरे महल्ले में। उस बच्ची के लिए वो जो जहीर था एक एग्जास्ट का वो हॉल था जहाँ से उसको ताज़ा रोशनी और ताज़ा हवा मिली, ताज़ा रोशनी और ताज़ा हवा मिली। जुनैरा ये बता दें, आपने वो पत्थरों का जिक्र किया कि उन्हें आपने रुए फूकी और वो क्या बगावत कर गए वो पत्थर? नहीं, ऐसा नहीं है, जो पत्थरों में सोने के, पत्थरों पे सोने के आदि हों, क्योंकि लोगों ने समझा ये बड़ी नाजुक सी है, घर से नहीं निकलती होगी, किसी ने कहा इसके पास बड़ा पैसा है। पैसा जो है ना जद्दी पुश्ती, यानी कि मेरे वालदैन के पास है, मेरे बाप दादा के पास है, मैं ख़ानदानी बंदी हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ कि सड़क चलती। तो इसलिए मैंने वो एक जूम आइनी शेर लिखा था कि जिनको पत्थरों पर सोने की भी आदत होती है ना, क्योंकि हर साल गिलगित बल्तिस्तान पर जाती हूँ तो पत्थरों पर भी सो जाती हूँ, वो फिर बड़े चट्टान की तरह ना लड़ते हैं। मैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देती। अच्छा, गंद का जवाब गंद से नहीं दिया आपने? नहीं, मैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, मैं ईंट का जवाब बड़ी चट्टान से देती हूँ। अच्छा, आज आपने यूट्यूबर्स के खिलाफ को कार्रवाई करने के लिए आप यहाँ पर आई, मुझे ये बता दें कि अवाम जो है, अवाम के एक सेंटीमेंट्स थे इस केस के साथ जुड़े हुए थे, तो जो अवाम है उसका मुंह कैसे बंद करेंगी? लोग तो पता नहीं क्या क्या कमेंट्स पास कर रहे हैं जी, ये बड़ी चलित्र खातून है, फलां 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 ये वो। अब इस चलित्र का जवाब छित्र से दिया जाएगा? यूट्यूबर्स को तो आपने दे दिया। देखिए, बात यह है कि अवाम को क्या पता, अवाम बेचारे हैं इमोशनल फूल हमारे। जब एक साइड पर एक दर्जन यूट्यूबर्स खड़े होकर एक गलत बात को बार बार करेंगे तो लोग तो उस पर यकीन करेंगे, लोग समझेंगे कि ये चैनल से चीज़ ऑन एयर की जा रही है। जैसे अब ये गंदा इंसान, मैंने आपको बताया, ये अपने यूट्यूब चैनल से नहीं बल्कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल से भी यही सेम वीडियो उसको लगाता है। चैनल को सोचना चाहिए कि इसको अपलोड करने से पहले हम ये तो सोच लें कि ये शख्स इसको जानता भी है कि नहीं। मैंने तो अभी तक उस गंदे काले मैलखोरे की शक्ल भी नहीं देखी कि वो कैसा है, दिखता कैसा है। तो मतलब किसी भी चीज़ को अपलोड करते हुए आप देखें ना, अब अवाम को जब ये बताया जाएगा कि जुनैरा महम किसी स्वीटी आंटी के साथ मिलकर दुआ ज़ारा को बेचने जा रही थी, तो अवाम के सेंटिमेंट्स क्या होंगे? वो तो मुझ पर गुस्सा ही करेंगे, मुझे गालियाँ ही देंगे। अब उन हाँ आ जाए आप भी। अच्छा सब मतलब आप, एक मिनट सर, अली जी सब आपसे आखिरी सवाल है, आपके पास 2 केस हैं सर, ये जुनैरा माम जो आज FIA में आई है, ये हाई प्रोफाइल केस हम कह सकते हैं? बिल्कुल है जी, बहुत ऑडियंस है, इनको लोग देखते हैं, कल को इनको थ्रेट होता है, और जहीर के भी पेरेंट्स हैं, उनके बारे में भी कुछ बताओ। देखें, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, जुनैरा माहम एक इस वक्त यूट्यूब के ऊपर मैं देखूं, आप सब यूट्यूबर हैं तो यूट्यूबर के ऊपर इस वक्त जो नज़र आ रही है, दुआ ज़ारा केस को देख लें या वैसे देख लें, वो जुनैरा माहम है। फ़ैन फॉलोइंग है इसकी, वीडियो इसकी लगती है, 8-10 घंटों में 1 लाख बंदा देख लेता है। अब चीज़ यह है कि इनके अगेंस्ट ये जो गंद उछाला जा रहा है, ये गंद जस्ट अपने चंद व्यूज़ लेने के लिए किया जा रहा है। आप सब मीडिया के लोग हैं, मैं इनको देख रहा हूँ 7-8 साल से, खबरनाक से, आपने आज तक कोई बात सुनी हो जुनैरा माहम के बारे में? क्या वो इतने ही बंदा कोई उसके जिब्राइल के साथ डायरेक्ट रबते हैं जी? उसको सारी छुपी हुई खबरें भी मिलती हैं, लिहाजा तो शिकवा है, हमने फोन किया चैनल के इंटरव्यू के लिए, टाइम दे के नहीं दिया जी, वो आपको आजकल थोड़ा सा बिजी है। आपका शुक्रिया, हमारी तो नींद भी पूरी नहीं हो रही, हम इतने बिजी। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे और कर दूँ जी, डॉक्टर नबीहा और जो ये असद जाफरी का कंटेंट है वो जिस जिस चैनल पे चला है, हमने एप्लीकेशन दी है असद जाफरी और डॉक्टर नबीहा के अगेंस्ट, वो दूसरे चैनल्स को भी बुलवा सकते हैं, क्योंकि हमने प्ली मांगी है कि जी ये मवाद डिलीट भी करवाया जाए। लिहाजा अगर किसी और चैनल पे ये अपलोड हुआ है, अगर उनको कॉल करती है FIA, तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। हम अभी आपको एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि
हम आपके साथ हैं। जुनैरा माहम भी एज अ यूट्यूबर इस वक्त काम कर रही है फील्ड पे, हम आपके साथ हैं। आप ट्रोल करें, आप हमें तनकीद करें, आप मजाक भी बनाएं, लेकिन वो हेल्दी हो। ऐसा ना हो कि आप अपनी, मैंने लास्ट टाइम अपने लाइव में ये सवाल किया था, क्या ये अपनी बीवी और बच्चियों के साथ बैठ के इस तरह की बातें कर सकता है बंदा जो लाइव बैठ के कर रहा है? उसका कंटेंट अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो कंटेंट लिखा गया है। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगी। इनके चैनल से मुझे एक खातून ने कॉल किया, इनके चैनल से, और वो खातून ने मेरी कॉल रिकॉर्ड की और मुझे पता चल रहा था कि वो मेरी कॉल रिकॉर्ड कर रही हैं। मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया। मैंने उनसे बार बार कॉल बगैर बताए मैंने उनसे बार बार पूछा कि क्या आप ये ऑफ़ द रिकॉर्ड पूछ रही हैं या आप मेरा रिकॉर्ड कर रही हैं? उसने कहा नहीं ऑफ़ द रिकॉर्ड है। थोड़ी देर के बाद मुझे एक और बंदे की कॉल आई, उन्होंने कहा आज के दिन में आपने किसी को इंटरव्यू दिया? मैंने कहा जी नहीं। उन्होंने मुझे लिंक भेजा। अब उस खातून को मैंने मैसेज किया कि भाई शेम ऑन यू, कम अज़ कम आप मुझे बता दो, बताने में क्या हर्ज है, ये एथिक्स के सरासर खिलाफ है। लेकिन मैंने उस खातून के ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन नहीं दी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि ये ना इस तरह की चीज़ें यूट्यूबर्स करते हैं। लेकिन ये चीज़ आप सब लोगों को सोचनी पड़ेगी कि किसी, देखिए आपको एक बंदा जब आपसे बात कर रहा है, फ़ोन पे भी बात कर रहा है, आप उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लो बिला वजह। आप उससे झूठ बोल के अगर उसकी कॉल को रिकॉर्ड, अब मुझे तो चीज़ समझ में आ गई है कि मेरा लिखा हुआ और मेरा बोला हुआ एक एक लफ्ज़ जो है ना वो लोग इस वक्त कैश करा रहे हैं, लेकिन उसका गलत और नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। दूसरा ये है कि मैं एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से हूँ और मेरी फैमिली जो है जब पाकिस्तान नहीं बना था उस वक्त भी आर्मी में थी, चाहे वो ब्रिटिश आर्मी हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, और उसके बाद चाहे पाकिस्तान आर्मी। अच्छा सुनहरा, आखिर में बस आखिरी जो सवाल वो ये है कि आपको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि आप इस केस में क्यों कूदी? आपकी तौकीर पे बड़े सवालिया निशान आ गए, जाफरी साहब आपकी भी तौकीर पे बड़े सवालिया निशान आ गए, क्या कहेंगी आप लोगों को, कैसे मुतमिन करेंगी? रिग्रेट तो दूर की बात है, मुझे तो फ़ख्र हो रहा है कि मेरे जैसा इंसान जो है वो एक ऐसी निहत्ती लड़की की मदद कर रही है कि देखें जहाँ पे हर तरफ झूठ है, एक वाहिद अकेली मैं थी और मेरे साथ कारवां बना। जाफरी साहब का शुक्रिया, बिलाल साहब का शुक्रिया, बाकी सब लोग बाद में मेरे साथ आए हैं, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसी लड़की, एक मज़लूम लड़की, एक यतीम लड़का जिसको सबने गैंग बना दिया था। देखिए मैं उनका केस रिपोर्ट कर रही हूँ, सबको पता है कि ये एक पावरफुल फैमिली से है, सबको पता है कि ये मीडिया पर्सन है। मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है क्योंकि मेरा तो व्लॉगिंग चैनल भी है, मैं तो आइसक्रीम भी खाऊं, खाना भी खाऊं तो वो भी दिखाती हूँ कि भाई मैं ये खा रही हूँ। मेरी तो ज़िंदगी में कोई छुपी हुई चीज़ ही नहीं है। मैं जहाँ शूट पर जा रही होती हूँ, मैं रास्ते में किस गाड़ी पर गई हूँ, उस गाड़ी का नंबर क्या, मैं तो लोगों को वो भी दिखाती हूँ। अगर एक ऐसी लड़की जिसकी ज़िंदगी खुली किताब है, जिसने ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम करना तो दूर की बात है सोचा भी ना हो, उसको अगर इतना ट्रोल किया जा सकता है तो एक आम फैमिली को क्यों नहीं गैंग साबित किया जा सकता है? मैं इस पे रेहान, मैं अरसलान।